जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सीरियल ससुराल सिमर का में इन दिनों सिमर को डायन पाताली ने अपने वश में कर रखा है, इसलिए डायन पाताली सिमर को अपने इशारों पर नचा रही है और अपनी खराब शक्तियों से वो सिमर से सारे बुरे काम करवा रही है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि सिमर अपने सुहाग के सारी चीज को छोड़कर काला वस्त्र धारण कर लेगी, जहां चूड़ी बिंदी से लेकर सारे श्रृंगार काले रंग में सिमर ने किया है। आप भी देखिए डायन पाताली सिमर की जिंदगी कैसे तबाह कर रही है। टेलीविजन के मोर अपडेट्स के लिए देखते रहे हमारा चैनल। कौन है? चले कहाँ हो? ओके अभी सब निकलना चले। ओके आप तीनों बचा लो। प्रेम आज आप बताइए, बड़ा इंटरेस्टिंग सीन हुआ आपके साथ, काफ़ी उलझने हो रही थी, इस सीन के बारे में जरा बताइए आप। जी मैंने शायद पहले भी ऐसा कहा है कि बिकॉज ऑफ पाताली देवी एंड जैसा कि ऑडियंस को पता है कि पाताली देवी ने सिमर को सिमर के अंदर एक नेगेटिव शक्ति डाल दी है एंड शी इज़ गोना हार्म द फैमिली एंड मैं पहला शिकार हूँ उसका। तो मैं सिमर की वो जो पूजा हो रही है शुद्धिकरण की, उसके लिए पाताली देवी मुझे भेजती हैं सोने का सिक्का लेने के लिए जिसकी ज़रूरत है पूजा के दौरान, और मैं वो लेने निकलता हूँ और मेरे साथ एक छोटा सा एक्सीडेंट होता है, लेकिन माता रानी की कृपा से मैं बच जाता हूँ। तो ये एक्सीडेंट जानबूझ के कराया गया है या कुछ लगता है हो गया? सी मुझे ऐसा नहीं है कि किसी ने जानबूझ के कराया, बट दिस इज़ द पार्ट ऑफ पातालीज गेम। उन्होंने जो भी उनकी ईविल शक्तियाँ हैं उसके थ्रू ये सब हुआ है, बट वही कहते हैं ना कि वी हैव द बिगेस्ट सेवियर, वी हैव माता रानी, सो शी सेव मी। प्रेम हमने लाल सिंदूर सुना, लेकिन काला सिंदूर इसके बारे में हमें कुछ बताइए। काले सिंदूर की कहानी ऐसी है कि वो पाताली देवी जब हम सिमर को वापस जब ये लोग बचाने मुझे बाहर आते हैं, बचाने इन द सेंस पूछने आते हैं कि क्या हुआ, और मैं अंदर जाने लगता हूँ। द मेन रीज़न बिहाइंड ऑल दीज काला सिंदूर एंड काली साड़ी एंड काला थिंग इज़ दैट कि सिमर को जो उसकी सुहाग की निशानी है उस पर, जैसे कमर बंद था, चूड़ियाँ थी, कंगन थे, सिंदूर था, ये सब अलग करना है, तभी वो प्रेम को नुकसान पहुँचा पाएगी। जब तक सिमर के ऊपर उस सुहाग की कोई भी निशानी है, तब तक वो प्रेम का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती पाताली देवी। तो उस चीज़ को अलग करने का ये तरीका है जो वो झूठ बोल के हमसे ये सब करवा रही है। थैंक यू।